हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम जानते हैं कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स और लिगामेंट्स यूट्रस को सपोर्ट करती है, पर जब पेल्विक फ्लोर की मसल्स और लिगामेंट्स कमजोर हो जाती है तब वह यूट्रस को सपोर्ट नहीं कर पाती है और हमारी यूट्रस आगे की तरफ बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं यूट्रस प्रोलैप्स। आज मैं कुछ योगासन आपको सजेस्ट कर रही हूं जिसको आप नियमित करें। और कुछ ऐसे भी योगासन है जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले एक पैर पर उत्तानापादासन। यह आसन आपको विदाउट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है। अपने एक पैर को 90 डिग्री तक ऊपर उठाइए, दूसरी पैर फर्श पे स्ट्रेट रहेगी। कुछ मिनट के बाद पैर को सतह पर वापस लाइए, फिर दूसरी पैर को ऊपर उठाइए। यह आसन आपको मैक्सिमम 5 to 7 मिनट दोहराना है। आगे है वन लेग्ड नौकासन। अपनी ऊपर की बॉडी को कमर तक उठाइए, हिप से सपोर्ट दीजिए, फिर एक पैर को धीरे धीरे उठाइए। कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहें, फिर पैर को धीरे धीरे नीचे लाइए, फिर दूसरी पैर को उठाइए। ध्यान रहे कि पैर इसमें स्ट्रेट ऊपर नहीं रहेगी, यह 35 डिग्री या 45 डिग्री के एंगल पर रहेगी। यह हाफ लेग्ड नौकासन को आप 5 to 7 मिनट तक करिए। इस आसन से पेल्विस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अब है कंधरासन। अपने दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करें, अपनी बैक को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं। आपके दोनों हाथ आपके दोनों पैरों के पास सटे रहेंगे। अपनी कंधों से बॉडी को सपोर्ट दीजिए। यह आसन गर्भाशय को उसकी पोजीशन में वापस लाने में मदद करता है। यह आसन 3 to 4 टाइम्स रिपीट करें और 5 to 10 मिनट तक जरूर करें। ध्यान रहे कि आपकी ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल रहेगी। वापस अपनी स्थिति में धीरे धीरे आइए। आगे है विपरीतकर्णी। अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को पहले ऊपर ले जाइए, फिर थोड़ी सी हेड के तरफ बेंड करें। एक पैर को फोल्ड करके घुटने से हेड को टच करें और पैर को दूसरी पैर से सपोर्ट दें। अपनी राइट लेग को लेफ्ट लेग से सपोर्ट दें और लेफ्ट लेग को राइट लेग से सपोर्ट दें। देर के बाद दोनों पैरों को अपनी हेड के तरफ ले जाएं। यह है हलासन। यह सभी आसन आपके यूट्रस को उसकी पोजीशन में लाने में मदद करता है। इन सभी आसन से आपके पेल्विस मसल्स और लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ तो मिलती ही है और इससे गर्भाशय अपनी पहले की स्थिति में वापस आती है।
धीरे धीरे अपनी दोनों पैरों को नीचे सतह पर लाइए। है मूल बंधासन। धीरे धीरे सांस को अंदर भरें, सांस को होल्ड करें, अपनी लोअर एब्डोमिनल एरिया को स्क्वीज करें। 10-20 सेकेंड ब्रीथ को होल्ड रखें। एब्डोमिनल एरिया को ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है। थोड़ी देर के बाद सांस को बाहर छोड़िए और एब्डोमिनल एरिया को उसकी स्थिति में लाइए। अब है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई हमारे पेल्विस मसल को स्ट्रेंथ देती है और साथ में यूट्रस को हेल्दी बनाने में काफ़ी मदद करती है। आप इन सभी आसन को रेगुलर करें। आगे है वक्रासन। अपनी दोनों पैरों को पैरालेल रखते हुए राइट लेग को नी से बेंड करें। अपनी लेफ्ट आर्म से राइट नी को पुश करते हुए लेफ्ट लेग को पकड़ें। जिस तरफ की पैर आप फोल्ड की हो उस तरफ की कमर को ट्विस्ट करके पीछे देखें। इस क्रिया को दोनों पैरों में एक समान दोहराएं। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। इसमें आप लेफ्ट नी को फोल्ड करते हुए राइट नी को उसके ऊपर रखें। इसमें भी आपको लेफ्ट आर्म से राइट नी को पुश करना है। जिस तरफ की पैर ऊपर हो उसी तरफ पीछे ट्विस्ट करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। Avoid plants. Avoid two-legged Uttanapadasana and Noukashan.